हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर एक स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली इंडिया की बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 60 रुपीज़ है और उसमें 3.92% की गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पीछे एक न्यूज़ निकल कर कह रहे हैं जिसके बारे में मेनली बात करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस है जो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक तरीके से बढ़िया अच्छा खासा यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखता है और उसमें जो अभी जो करंटली कंपनी के स्टॉक पे यहाँ पर एक तरीके से कवरेज स्टार्ट की हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम उसका पूरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ब्लूमबर्ग की जो एक तरीके से वेबसाइट है वहाँ पर आए हैं बीक्यू प्राइम पे, और यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि मदरसन सुमी जो है वो यहाँ पर वायरिंग है सिंप्लिसिटी इन कॉम्प्लेक्सिटी में और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पर एक तरीके से दे सकती है। ऐसा मोतीलाल ओसवाल जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या बातें निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड जो कि यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सुमीटोमो वायरिंग सिस्टम एंड मदरसन ग्रुप, जो कि यहाँ पर मार्केट लीडर है इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री में, जिसका जो ऑलमोस्ट मार्केट शेयर 40% के आसपास निकल करके आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने आप में कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक तरीके से मार्केट ग्रैबिंग है और उसके अलावा भी फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे खासे मार्केट को कंपनी कवर करके बैठी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं वायरिंग हार्नेस बिजनेस के बारे में, तो वो यूनिक है यहाँ पर उसके प्रस्पेक्टिव से, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिटी वाला बिजनेस है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है और यहाँ पर लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि लोअर कैपेक्स रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से जो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिटी वाला बिजनेस निकल करके आता है और उसमें यहाँ पर उसके पास 40% के आसपास का एक तरीके से मार्केट से निकल करके आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जो कि एंजॉय करता है सुपीरियर प्रोफिटेबिलिटी लेड बाय इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक स्केल, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री की यहाँ पर एक तरीके से ग्रोस ईबीआईटी मार्जिन यहाँ पर एक तरीके से लीडिंग दिखाई दे रहा है, जिसको आपको कंसिडर करके चलना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बताया जा रहा है कि आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मदरसन सुमी सिस्टम, मदरसन सुमी वायरिंग ट्रांसफॉर्म इंटू अव इंडिया बेस्ड प्योर प्ले वायरिंग हार्नेस प्लेयर, यानी कि यहाँ पर प्योर प्ले हार्नेस वायर का जो यहाँ पर एक तरीके से प्लेयर बनने जा रहा है और डोमेस्टिक मार्केट को फ्रेंड्स यहाँ पर वो फोकस कर रहे हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीवर करते हैं 95% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस, यानी कि इंडिया के बिजनेस से उसकी जो 95% की रेवेन्यू यहाँ पर डिराइव होती है और नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोजर है एक्सपोर्ट के जरिए से, यानी कि अराउंड जो 5% के आसपास कंपनी जो अपना टोटल रेवेन्यू का शेयर जो यहाँ पर एक्सपोर्ट से लेकर के आती है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जो कि यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रिकवरी का, क्योंकि यहाँ पर अभी जो करंटली इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यहाँ पर एक तरीके से रिकवरी स्टेज में चल रही है, तो जिसकी वजह से जो इसको डेफिनेटली यहाँ पर कमिंग फ्यूचर में फ़ायदा मिल सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हायर एक्सपोजर है डोमेस्टिक यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, तो डेफिनेटली कंपनी को यहाँ पर यह फ़ायदा मिलने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया गया है कवरेज यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड पे, जो कि बाय रेटिंग के साथ और 29% का अपसाइड यहाँ पर कंपनी यहाँ पर एक तरीके से ब्रोकरेज हाउस देखती है इस कंपनी में, तो आपको जो उसको अपनी रडार पे रखना चाहिए और इसमें जो पूरा एक तरीके से डिटेल एनालिसिस कर भी कि किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टॉक की बात करते हैं तो मोर देन 18% यहाँ पर एक तरीके से अप्रैल 2020 के बाद गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से 80 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट प्राइस बताया जा रहा है और पोटेंशियल दिखाई दे रहा है 29% का, और यहाँ पर थर्सडे को क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा था 62 रुपीज़ और 40 पैसे के आसपास कंपनी का स्टॉक। तो आने वाले कमिंग डेज में फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री को ग्रैब करता है और अच्छा खासा मार्केट शेयर इसके पकड़ में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी को फायदा मिल सकता है कमिंग फ्यूचर में। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके पीयर ग्रुप कंपेरिजन को कि इसके साथ मिलता जुलता बिजनेस वाली कंपनियों में किस तरह का वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर पीयर ग्रुप कंपेरिजन में, लेकिन यहाँ पर जो एक तरीके से बात करते हैं तो इसी टाइप का बिजनेस करने वाली कोई भी कंपनी नहीं है, लेकिन इसके साथ मिलता जुलता बिजनेस करने वाली कंपनी है, तो यहाँ पर एक तरीके से फेयर पीयर ग्रुप कंपेरिजन तो नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से ऑटो एंसिलरी बनाने वाली कंपनियों के साथ हम पीयर ग्रुप कंपेरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंपनी वो है मदरसन सुमी, उसका जो पी वैल्यूएशन है 58.91% जो कि अपने आप में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बॉस लिमिटेड, तो उसका पी वैल्यूएशन है 32.30%। उसके बाद है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पी वैल्यूएशन फ्रेंड्स यहाँ पर 72.39% दिखाई दे रहा है।
उसके बाद बात करते हैं तो ये कंपनी जो कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जिसका P41 है, जो कि अपने आप में यहाँ पर थोड़ा सा फेयर दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मार्केट शेयर यहाँ पर कवर अप करके बैठी है, तो थोड़ा सा प्रीमियम पे तो यहाँ दिखाई दे सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, तो उसके पास भी फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पीई है 36.35 के आसपास। और ZF कॉमर्शियल है, उसका पीई जो यहाँ पर 95.49% दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसका पी फ्रेंड्स सबसे यहाँ पर एक तरीके से लोअर दिखाई दे रहा है, वो 2.66% दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरीके से एक्साइड इंडस्ट्री अपने आप में दूसरे टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीके से ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट बनाने वाली सभी कंपनियाँ हैं, तो उसके साथ एक तरीके से पी भी यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड को कंटिन्यूसली अपने रडार पर रखना चाहिए, और किसी भी टाइप का यहाँ पर मूवमेंट दिखता है तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।